एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइज, वैसे तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिंत्रा शॉपिंग हॉल, और ये विंटर एंड समर मिक्स कॉम्बिनेशन वाला हॉल रहने वाला है। बिकॉज कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ विंटर के ही क्लोथिंग्स मंगाए हों। सो एंड सबसे पहले, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। सो विदाउट फर्दर डिले लेट जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक जीन्स की जो मैंने मंगवाया है मिंत्रा से, एंड दिस इज द ब्रांड कॉल ईदर, आई थिंक ईथर या कुछ इस टाइप का इसका है प्रोनाउंसिएशन। सो ये है एक ब्लैक कलर का जीन्स, एंड इसमें मेरा वेस्ट साइज जाता है 30, एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने पहले भी इस ब्रांड का ब्लू शेड मंगवाया था तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने ये फिर ब्लैक वाला मंगवाया है, एंड ब्लू मैंने अभी पहन के रखा हुआ है। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड मिड वेस्ट तक ये आता है, हाई वेस्ट एंड लो वेस्ट नहीं है, मिड वेस्ट तक आता है ये, एंड काफ़ी स्लिम फिट है ये, बहुत ही अच्छा है। इसका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है काफ़ी, और अगर हम जैसे वुमेंस लोग हैं थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये हमारे लिए, एंड बहुत इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट, और प्राइस मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड मैंने मंगवाया है यहाँ पर एक लॉन्ग स्वेटर, और दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड हार्वर्ड, एंड इसमें मेरा साइज जाता है L, आप लोग देख सकते हैं L साइज है मेरा यहाँ पर, एंड बहुत ही अच्छे इसमें ऐसे बॉर्डर में दिया हुआ है। बाकी पूरा जो स्वेटर है वो ऑलिव ग्रीन कलर का स्वेटर है, एंड लॉन्ग स्वेटर है, आई श्रग पैटर्न में है, ओपन है, फ्रंट ओपन है, और मैं इसको पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। और इसका भी मुझे प्राइस का भी कोई आइडिया नहीं है, तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग दी हुई है ऐसे बॉर्डर में, एंड नेक एरिया में भी इसका पूरा ऐसे लाइनिंग है, एंड बाकी जो पूरा जो होल स्वेटर है वो ऑलिव ग्रीन कलर का है, एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। सो दिस इज़ माय सेकंड प्रोडक्ट, एंड इसको आप अंदर से कुछ भी ब्लैक कलर का या कुछ भी प्लेन स्वेटर क्रॉप टॉप जैसा कुछ पहन के ऊपर से इसको श्रग पैटर्न में इसको ले सकते हैं, तो वो काफ़ी स्टाइलिश लुक आपको देगा। सो मैं पहन के बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज़ माई सेकेंड प्रोडक्ट। सो गाइस, थर्ड भी यहाँ पर विंटर पर्पस से रिलेटेड होने वाला है। दिस इज द जैकेट, आप कह सकते हैं इसको विंड शीटर टाइप का जैकेट है ये, बहुत ही एयर पास नहीं होगा इससे, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कप्पा, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड इसको मैंने पहले भी एक बारी पहन चुकी हूँ, सो इसका टैग वर्क मैंने हटा दिया है, एंड दिस इज ऑल्सो रियली वेरी कम्फर्टेबल। बट इसमें मेरा एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे ये L साइज का, लार्ज साइज मुझे बाकी भी लार्ज साइज के आते हैं, बट ये वाला मुझे नहीं आया लार्ज साइज का, थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा था, बट मैंने पहन लिया एंड फिर रिटर्न करने का तो कोई मतलब था ही नहीं, तो ठीक है मैं इसको अपनी सिस्टर को दे दूंगी या फिर देखती हूँ क्या होगा। बट आ जाता है वैसे, बट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, हैंड्स ऐसे नहीं होते हैं, तो इसको भी मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसका बहुत ही प्यारा ग्रीन सी ग्रीन कलर है, इसका बहुत ही प्यारा कलर है, एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, एंड लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसा लगता है। मैंने सेल में खरीदा था, एंड अब इसके क्या प्राइजेस हैं वो आप लोग जाके चेक कर लीजिए। तो गाइज, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग समर सीजन्स की तरफ, मींस समर के पर्पज़ का मैंने एक ये कुर्ता खरीदा है, एंड ये मैंने पहन चुकी हूँ एक बारी, बिकॉज ये मैंने अपने बर्थडे पे खरीदा था,
एंड बहुत टाइम से मेरा मिंत्रा ये वाला हॉल जो था वो पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड दिस इज द कुर्ता लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका रॉयल ब्लू कलर है एंड इंडोएरा ब्रांड का है, ये ब्रांड का है एंड एल साइज इसमें मेरा है और काफ़ी अच्छा इसकी जो घेरा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड प्योर कॉटन में है ये, और इसके जो स्लीव्स पे डिटेलिंग दी हुई है ऐसे गोटा पट्टी के लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं और छोटे छोटे फ्लावर प्रिंट्स ऐसे बने हुए हैं। एंड फ्रंट की बात करें अगर यहाँ पर, तो फ्रंट में इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं सिल्वर कलर के थ्रेड से, तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है, आपस में कॉम्बिनेशन कर रहा है। एंड इसके साथ मुझे ये ट्राउज़र पैंट स्टाइल का ये ट्राउज़र है ये वाला मिला है, ये वाला काफ़ी अच्छा है। इसके भी नीचे जो पैर के साइड में ऐसे गोटा पट्टी का डिटेलिंग दिया हुआ है, सो दिस इज एंड ये थ्री पीस सूट है, तो इसके साथ एक कॉटन का बहुत ही प्यारा दुपट्टा भी है यहाँ पर एंड बहुत अच्छा इसका प्रिंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब मैं इसकी इसका मेरे पास एक पिक होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस कैसा लगता है पहनने के बाद। सो दिस इज माय लास्ट प्रोडक्ट गाइस एंड सारे प्रोडक्ट्स के जो भी प्राइसेस हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किसका क्या क्या प्राइस है। सो यही सब कुछ था जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय गाइज।